श्री राधा करावचिता पल्लव वल्लरीके राधा पदा कविलसन मधुर स्थली के श्री राधा यशो मुखर मत्तक गावली के श्री वृंदा विहार विपिनम जमता मनो में कमलों का विलास जिनके अधरों के हाथ पर बलि मिल जाता है, कमलों की शोभा जिनके श्रीमुख को ही निहारती रहती है, कमलों की कोमलता जिनके अंगों की कमनीयता की अर्चना करती है, पूनम परम कमला श्री राधा के चरण मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जी भावना का बड़ा महत्व है, भावना का ही तो महत्व है, भावना कीजिए ना, आप निकुंज में बैठे हैं, भावना कीजिए ना। श्याम सुंदर जो प्रिया जुगल भैया दिए दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, भावना कीजिए ना। श्री जी के दिव्य आभूषणों का आप ध्यान कर रहे हैं, उनके दिव्य चंद्रिका, उनके हार, उनकी दिव्य नीली साड़ी, युगल पर सरकार के आभूषण भी सामान्य नहीं है, दिव्य अति दिव्य है। यदि मैं कहूं प्रिया जू के आभूषण श्री लाल जू हैं, लाल जू के आभूषण श्री प्रिया जू बनी हुई हैं, प्रिया जू के नीलांबर श्री लाल जी बने हुए हैं, प्रियतम का पीताम्बर श्री प्रिया जू बनी हुई हैं, श्री राधा रानी आनंद व प्रेम की सिंधु हैं, श्री कृष्ण सत्य रूप ब्रह्म हैं, सत्य आनंद की लीला अनवरत चल रही है नित्य श्री निकुंज वृंदावन में, सत्य स्वयं आनंद है, पर स्वयं से मिलने की ही जो अद्भुत व्याकुलता है वही रस है, उसी रस का विलास तो है ये बंधुओं। कीजिए भावना, ये भावना आधा घंटा एक घंटा मंत्र जप की तरह नहीं करनी है, इसको अपने जीवन का अंग बनाइए। किसी सुंदर लड़की को देखिए तो मन ही मन उसको पता भी न चले प्रणाम कीजिए, आहा मेरी प्रिया जो की सखी है, ऐसी भावना कीजिए। वृक्ष दिखे तो निकुंज की भावना कीजिए, यहाँ पर प्रिया प्रीतम जो झूला झूलेंगे, पक्षी दिखे तो देखिए कि निकुंज का पक्षी है, यही तो हमारे प्रिया प्रीतम जी को रिझाते हैं। कोई नदी दिखे तो भावना कीजिए श्री यमुना रस रानी है, मेरे युगल सरकार जल के लिए करेंगे, इस तरह से रस की साधना करिए, इसी भाव से आपको भावित रहना है, सखी भाव उर्धार। चलिए जल के लिए चल रही है प्रिया प्रीतम जी की, हाँ आपने कोई सेवा ली नहीं कुंज में, कुछ नहीं तो सोहनी सेवा जिस मार्ग से प्रिया प्रीतम चल रहे हैं, सोहनी सेवा कर लीजिए, पलकों से बुहारी लगाइए, आइए ध्यान कीजिए। और हाँ युगल मंत्र का आस्वादन करना है जिभ्या से, एक बार मेरे साथ युगल मंत्र बोलिए, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बंधुओं अगर आप पूछो ये तो भावना है इससे क्या होगा, हम ही ब्रह्म है अहम ब्रह्मास्मि ये क्या है, ये भी तो भावना ही है, सब भावना का ही खेल है, भावना से भी सब कुछ होगा, आप करो तो सही। चलिए जल विहार का दर्शन करना है ना, आंखें बंद कीजिए, श्री यमुना जी की कमल समूह के मध्य में श्री जी विराजी हैं, आहा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अब श्री जी को रिझाने के लिए श्याम सुंदर तैयार रहे हैं।
श्री जी इसलिए हंस रही हैं क्योंकि कमल की नाल तोड़कर ले आए हैं प्रियतम जी, उसमें जल भर कर जोर से फूंक मारते हैं। जल की धार बहुत दूर तक जाती है। श्री जी ताली बजा रही हैं, मैं भी करूंगी, श्री जी ने कहा। मेरे फूंक से आप जल की धार ज्यादा दूर जाएगी। श्याम सुंदर दूसरी नाल तोड़ कर लेके आए हैं। प्रिया जी ने फूंक मारी है तो दूर नहीं गई है। ये प्यारी जो ये काम आपसे नहीं होगा। श्री जी ने जब दूसरी बार के सच में श्याम सुंदर से भी ज्यादा दूर जल की धार पहुंची है तो वो फिर प्रीतम जो नैना को मटकाते हुए नचाती हुई प्रिया जो बोल रही हैं प्रसन्नता में, तुरंत जल में तैरने लगी हैं। श्याम सुंदर जू आपको तैरना आता है प्रियतम जू? प्रिया जू कह रही हैं बड़ी मासूम बड़े मासूम होकर। श्री जी ने कहा नहीं तो आइए हम आपको सिखा देते हैं, मुझे डर लग रहा है। श्री जी मना कर रही हैं आप आइए तो डरिए मत प्रिया जू। श्याम सुंदर ने अपने कर कमलों का आश्रय देते हुए कहा मैं आपको संभाल लूंगा। श्री जी को तैरना सिखा रहे हैं प्रीतम जू। नहीं नहीं प्यारी आप अपने चरण व दोनों हाथों को चलाइए, नहीं मैं तो डूब जाऊंगी। श्री जी को डर लग रहा है, ऐसे कैसे डूब जाओगी प्रिया जू, मैं हूं ना बस आप। श्री जी तैरना सीख रही हैं, कितनी सुंदर दिव्य झांकी है। सखियां छुप छुप कर इस लीला का दर्शन कर रही थी, अब वो सब बाहर आ गई हैं। जय हो नागर शिरोमणि की, आपकी सदा ही जय हो। ये क्या कर रही हो प्रिया श्याम सुंदर जू? रंग देवी जी ने पूछा है। सखियों श्री जी ने मुझे कहा मुझे तैरना नहीं आता, मैंने सोचा है क्यों ना इनको तैरना सिखाया जाए। श्याम सुंदर मटकते हुए बोले हैं आप प्रिया जू को तैरना सिखा रहे हो या उनके रूप सुधार में स्वयं डूब रहे हो? ललिता जू ने छेड़ते हुए कहा है। श्याम सुंदर सिर नीचा करके खड़े हैं, इतना ही बोले हम तो प्रिया जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तभी श्री जी बोली सखियों तुम भी आ जाओ, तुम भी जल क्रीड़ा करो। बस इतना सुनते ही सारी सखियों ने जल में छलांग लगा दी। रंग देवी जी ललिता जू इंदुलेखा जू श्री जी के पक्ष में हो गई, विशाखा सुदेवी चित्रा इत्यादि श्याम सुंदर के पक्ष में हो गई है, बस जल की बौछार कर रही है एक दूसरे पर। भारी तो श्री जी की दल की सखियां ही पड़ी हैं। बेचारे श्याम सुंदर ने तो जल के मार से नेत्रों को मूंद लिया। श्री जी ने आगे बढ़कर प्रियतम को हृदय से लगा लिया है। सखियां इस दिव्य झांकी का दर्शन करके आनंदित हो उठी हैं। युगल सरकार बड़ी देर हो गई है, आप लोग जल क्रीड़ा कर रहे हैं, अब कृपा करके बाहर पधारिए। चित्रा सखी जी की बात सुनकर युगल वर प्रसन्न हुए हैं, बाहर आए हैं, मणिमंडित सीढ़ियों पर आकर खड़े हो गए हैं। आह सुंदर सिंधु युगल सरकार गीले वसनों में कितने प्यारे लग रहे हैं। गुलबर्ग के केशों से टपकते हुए जलकण ऐसे लग रहे हैं जैसे मोती गिर रहे हों। आहा उस जल को मोर पक्षी इत्यादि पान कर रहे हैं गिरते हुए जल को। आहा बंधुओं इसमें आपको एक गुप्त बात बता रहा हूँ, मोरों की पक्षियों की लाइन लगी है, सभी एक एक बार इस रस बिंदुओं का पान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आहा सखी देख तो इनके मुखारविंद से जो जल की बूंदे गिर रही हैं वो तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा में अमृत की बूंदे छा गई हों, वो गिर रही हों। सखियां इस दिव्य रूप माधुरी का पान करके अघाती नहीं है पर स्वयं का सुख नहीं युगल सरकार का सुख आवश्यक है। तभी रेशमी वस्त्र लाई हैं सखियां, तुरंत सखियों ने युगल सरकार के केश पोंछे हैं, उनके अंगों को पोछा है। मृदुल अंग अंगुछाए दो, पाटंबर पहराए दो, करण श्रृंगार सुहाए दो, श्री हरि प्रिया हुलसाए दो। शेष चर्चा आगे, तब तक के लिए अगले भाग में जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं मुझे तो बहुत लाभ मिल रहा है, ऐसे ही प्रिय प्रीतम का चिंतन करते रहिए।
श्री युगल प्रियालाल सब पर कृपा बरसाने। जय जय श्री राधे।